आवर टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज एट पेज नंबर 27 यूनिट नंबर 3 लेसन 4 एंड लेसन नेम वाटर ओके जो कि हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिलिंग की ब्लैंक्स आ जाती है। प्योरिफिकेशन प्लांट एंड डिसैलिनेशन डिसैलिनेशन कैन बी यूज टू मेक वाटर प्योर। बिल्कुल ये दो मेथड हैं जिसे हम वाटर को प्योर करते हैं और वाटर की प्योरिफिकेशन में ये दोनों मेथड हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास ऑयल स्पिल मीन वाटर पोल्यूशन। वाकई बिल्कुल जब ऑयल जो है वो लीकेज होगा किसी भी एक्सीडेंटल रीज़न की वजह से, बड़े बड़े टैंकर्स उसके या शिपमेंट से ओशन में जो है वो लीकेज हो जाएगा ऑयल, तो वो उसके वाटर पोल्यूशन होगा, तो इसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है सी वाटर इज मेड सूटेबल फॉर यूज थ्रू डिसैलिनेशन। हमने पढ़ा था कि सी वाटर जो है वो सूटेबल नहीं होता, ड्रिंकेबल नहीं होता, तो हम इसको कैसे ड्रिंकेबल बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिसैलिनेशन। ओके, इसको फ्रेश मेथड के साथ हमने ये रीडिंग में पढ़ा था कि हम इसको फ्रेश वाटर बना सकते हैं, बट दिस प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओके, है तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू इस पानी को हम प्योरिफिकेशन इस प्योरिफिकेशन पानी की कर सकते हैं प्योरिफिकेशन। ओके, फोर्थ वन इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन हमने ना वाटर साइकिल में पढ़ा था। एंड प्रिसिपिटेशन ब्रिंग्स रेन। बिल्कुल, हमने वाटर साइकिल जब भी वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है तो उसके साथ क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्रिंग रेन होती है। हमने पूरा एक प्रोसेस करा था कि कैसे पहले ओशन का पानी एवेपोरेट्स होता है, एवेपोरेशन पानी से उसके क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स से वो जो है वो रेन जो वापस ऑन दी अर्थ पे रेन होती है, और इस प्रोसेस से जैसे ही वो रेन बैक आती है, कम बैक टू दी ऑन दी अर्थ, तो उस प्रोसेस से रेन होती है। सारे प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। फिफ्थ वन हमारे पास आ जाता है पोल्यूशन ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। बिल्कुल, ये सब आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर तो आपकी बुक पे सॉल्व है तो वेल एंड गुड, आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपने उसमें से वो जो हेल्प लेनी है। अगर आपके बुक्स पे नहीं राइट किया गया, जो बच्चे एबसेंट है या जिन्होंने काम नहीं किया, पेंडिंग वर्क है, आपने उसको कम्प्लीट करना है और साथ साथ क्लास के अटेंड करना है, साथ साथ आपने लर्न करना है। ओके, कम टर्न योर पेज एट पेज नंबर 28। ओके, नो वी विल डू बी पार्ट मार्क वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इन दिस वर्ल्ड इज ओशन। बिल्कुल ट्रू है ये, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इस दुनिया में पानी समंदर ही है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर इज सूटेबल फॉर आवर यूज। बिल्कुल, फ्रेश वाटर हमारे यूज़ के लिए सूटेबल है। उसके बाद एनिमल इंजॉय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, नो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स अ फॉल्स वन। ओके, ये गलत है, पोल्यूटेड वाटर एनिमल के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज वो भी उनको डिजीज में अटैक टू डैम। ओके, और इससे वो डाई, दे कांट लिव मोर। ओके, दे विल डाई। एंड नेक्स्ट मंथ फोर्थ वन इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज आर केमिकल एंड वेस्टेड टू इन टू दी वाटर बॉडीज। ओके, उसके बाद लास्ट वन आ जाता है इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाटर। ओके, वाटर को पोल्यूशन से बचाना, टू प्रोटेक्ट वाटर, डोंट थ्रो एनी रबिश ऑन द लेक, ऑन द रिवर, ऑन द ओशन। ओके, इस सारी प्रिकॉशन से वाटर जो है पोल्यूटन से बचाया जा सकता है, वाटर की पोल्यूशन कम की जा सकती है। ये हमारी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड एंड प्रिवेंट ऑल दिस इम्प्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है मैच दी करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को किसके साथ मैच करना है वो हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सी लाइन। सी लाइन वो ही सी लाइन बोलते हैं समंदर के पानी को, ठीक है, सोडियम की जिसमें क्वांटिटी होती है, साल्ट होता है, तो सी लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया सी वाटर के साथ। ठीक है, हमारे पास कलरलेस कलरलेस कौन सा होता है, हमने पढ़ा था वाटर। हमने नेक्स्ट टॉपिक, हमने यहाँ पे अपनी रीडिंग में पढ़ा था, जो जैसे हमने बुक की रीडिंग स्टार्ट की थी, हमने वोकैबुलरी वर्ड्स भी राइट आउट किए हुए। हमने यहाँ पे पढ़ा था इट इज़ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, विच मीन्स वी कैन सी थ्रू वाटर। ओके, ये ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है, तो
ये वही हुआ, यहाँ पे वो बात डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर कलरलेस है तो ये वाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद विपोर, विपोर मीन्स विपोर क्या था वाटर साइकिल में, हमने क्या बना था विपोर में, विपोर में हमारे पास आ जाता है टेनी ड्राफ्ट। टेनी ड्राफ्ट जो रेन के होते हैं ना, तो वो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से वापस रेन जो है कम बैक आती है, तो वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूब वेल्स, ट्यूब वेल्स हमने पढ़ा था कि हमारे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वो है, मेथड ऑफ सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ट्यूब वेल है अंडरग्राउंड, बिल्कुल अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर है ये। उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज मीन्स एज सच थिंग्स विच मेक प्लूटेंट द प्योरिफिकेशन वाटर को जो प्लूटेंट करती हैं, तो वो इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो वो पोल्यूशन ही है जो ये काज बनती है। ये हमारी मैचिंग हो गई, हमने ये सारी ऑब्जेक्टिव्स पिछले पेज पे भी, बैक पेज पे भी हमने ये सारी ऑब्जेक्टिव्स की। उसके बाद हमारे ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ट्रू फॉल्स और मैचिंग है, ये भी आपने अच्छे से लर्न करनी है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। तो रीडिंग को 2 से 3 दफ़ा रीडिंग को करना, तो आपको अच्छे से इसकी और समझ आ जाएगी मज़ीद। तो इसको देखिएगा, इसको पढ़ें, गौर करें इसको, और अपने फीडबैक के लिए इसको रेडी करें।